संतों की मतले, संत क्या कहते हैं भाई, शराब नहीं पीनी। कहीं कहते शराब पीने से क्या होता है, शराब पीने से अहंकार आता है, किया कराया सब गया जब है अहंकार। मांस नहीं खाना, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस संग, ताकि संगत मत करो परत भजमे भंग। मांस नहीं खाना, पराई निंदा नहीं करनी, अकराल की कमाई करनी है ते सिमण करना है। ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले तो संत ये कोर्स करा देंगे। गुरमत सहज सहज अवस्था त्रिलोक से पार है, त्रैगुणा में सहज न उपजे त्रैगुण परम पलाए, पढ़िए गुणिये गथिये बुढ़ों कथा जाए, चौथे पद में सहज है गुरमुख पल। ये सहज ही रहे, कोई दिखावा ना करे। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, वो चारों जुगों में आया है। सतयुग में उनका नाम सतशुकर था, त्रेता में मनिंद्र, द्वापर में करुणा में, कलयुग में कबीर क्या करते रहे, वो बेजा बुनते रहे तो सिमण करते रहे, बाजार में जाके खद्दर बेचते रहे हैं। रविदास जुतियाँ गांठता रहा है, सिमण करता रहा है। गुरु नानक साहब खेती करते रहे हैं, सिमण करते रहे। मोहम्मद साहब व्यापार करते रहे हैं तो सिमण करते रहे। दादू खेती करता रहा है, सिमण करता रहा। सहज स्वभाव रहना है तो सिमण करोगे, सहज अवस्था में पहुँचोगे। मन की मत त्यागो अर्जुन, यह बात, ये मन की मत छोड़नी ये मुश्किल काम है। ये क्या कहता है गुरु रामदास, क्या दोबारा बोल। हर हर नाम, हर हर नाम अमृत रस मीठा। अमृत का हमने नाम सुने, अमृत सिंह देखे, अमृत का स्वाद लिया, क्या अमृत पी ले तो आदमी अमर हो जाता है, वो अमृत इसके अंदर है। वो बोली सब कुछ घर में, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुराणी। ना सुनो भाई, ये बड़ी कीमती बात है। एक बार महाराज सावन सिंह जी के पास कुछ वकील, एक पादरी तथा एक मोमडन संत मत पर चर्चा करने के लिए आए। पादरी कहने लगा, जी मैं ईसा मसीह को नहीं छोड़ सकता। मोमडन कहने लगा, जी मैं मोहम्मद साहब को नहीं छोड़ सकता। महाराज जी ने जवाब दिया, आपको ईसा मसीह और मोहम्मद आपने ईसा मसीह और मोहम्मद साहब को पकड़ा कब है? आप इनको मानते हो, ये तो सिर्फ मान्यता है। जोमेट्री में पहले किसी चीज़ को माना जाता है, फिर सिद्ध किया जाता है। आपको ईसा मसीह तथा मोहम्मद साहब से प्यार है तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। रास्ते में ईसा मसीह भी मिलेंगे तथा मोहम्मद साहब भी मिलेंगे। आप उनसे बात कर सकते हो, साथ भी रह सकते हो। योग पर किताबें पढ़ने से योगा अभ्यास नहीं होता। योग सिखाने वाला उस्ताद मिलेगा, वह योग सिखाएगा। इसी प्रकार किताबें पढ़कर आप अंदर नहीं जा सकते। जिंदा पुरुषाया अमरा पद होई। सुनो भाई, अब मुसलमान कहते हैं अभी सारे ही मुसलमान बन जे, मुसलमान तो एक भी नहीं बनता। हिंदू कहते हैं सारे हिंदू बन जाए, सिख कहते हैं सारे सिख बन जाए, ईसाई कहते हैं सारे ईसाई बन जाए। ये क्यों कहते हैं? लोगों को इकट्ठा करके मत करने का मतलब क्या है? ये सारे भूले फिरते हैं। धर्म क्या है? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। नाम जपना, ये जड़ चेतन की गांठ खोलना, उस अमृत की लज्जत लेना, उस कीर्तन को सुनना, ये धर्म है। धर्म तो किसी के पल्ले नहीं है, सारे काफर हैं। एक फकीर ने लिखा है, काहू जुगत किते न पाइए धर्म, तिस मिले जिस लिखा हुए दुर्कर्म। मालक की दरगाह से लिखा होता है उसको संत मिलते हैं। संत मिल गए, संतों ने सिमण बताया, ये सिमण करके नाम को पढ़ कर ले, उसके पल्ले धर्म है। धर्म तो कोई बिल्ला ही है। वो नाम अंदर आ गया, सारी इच्छाएँ पूरी होगी। सच्चा नाम आधार मेरा, जिन भूखा सब गवाइयाँ, फिर तो नाम कुमारी नानका चढ़ रहे दिन रात। उसी चक्कर में ही पड़ेगा, लोग ये चक्कर में पड़े हैं भाई, इतने हिंदू बन जाए, इतने मुसलमान, ये सारे उल्ट चलते हैं। सारे
उस राह से ही बेखबर है। जब तक संत होते हैं वो सही रास्ता बताता है कि धर्म कायम रहता है। कि संत चले गए बाद में संप्रदाय बनते हैं, धर्म बनते हैं, फिर माया का जोर पड़ जाता है। वो कहता है हमारे पास माया ज़्यादा आ जाए, उसके पास इतने आदमी क्यों चले गए, माया उधर चली गई, वो सारे चक्कर में झगड़े में पड़ जाते हैं। फिर ये देह है तो 5-6 फुट की, मालिक ने सब कुछ इसके अंदर रखा है, सब कुछ घर में बार नहीं बट सो परम्पलाई, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खुज सो पावे। ये हमारा मन जाता है विषय विकारों की तरफ, चाहे कितने स्वाद इसको दे दे, कितने विषय भोग लिए रसता ही नहीं है। फिर जाता है धन दौलत की तरफ, जिसके पास 100 रुपये हैं वो सोचता है मेरे पास 1000 रुपये होने चाहिए, 1000 वाला सोचता है मेरे पास 1,00,000 होना चाहिए, 1,00,000 वाला सोचता है मेरे पास 1,00,00,000 होना चाहिए। ये असास इतना ख़त्म ही नहीं होती। तो फिर मान बढ़ाई की तरफ, गांव का पंचायत का मेंबर बन गया, कहता अगली बारी मैंने सरपंच बनना है, सरपंच बन गया, अगली बारी MLA बनना है, MLA बन गया मिनिस्टर बनना है, मिनिस्टर बन गया प्राइम मिनिस्टर बनना है। यह सचना आगे आगे बढ़ती जाती है, ये ख़त्म ही नहीं होती। फिर इसका इलाज क्या है, क्या तुम नाम को पढ़ कर लो, नाम की रजत आ गई फिर इसका मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। जिनको रस हर रस आया सो अनरस नहीं लपटा है। नाम की दौलत अंदर आ गई फिर इसका मन धन दौलत की तरफ नहीं जाएगा। धन दौलत के लिए लोग करोड़ों रुपए की हेरा फेरियाँ करते हैं, ठगियाँ करते हैं, मिट्टी प्रीत होती है, अखबारों में नाम आता है, जेलों में जाते हैं। संत क्या कहते हैं, क्या तू ये नाम की दौलत ये इकट्ठी कर। गुरमुरदास ने लिखा है इस गुफा में अखुट भंडारा तिस विच उसे हर अलख पारा। मीरा ने लिखा है खर्चून लाख खत्म नहीं हो वह दिन दिन बर्त सो। इसके अंदर ऐसा खजाना है ये लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता। मस्ताना जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो के पास में पैसा था, ना कोई जमीन, ना कुछ दात, ना इलाके की बोली जानते, अनपढ़ थे। उन्होंने बैठ के सिमन किया कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने ग्रह कमी आई है। सिमन भी करे प्रभ के सिमन रिद्ध सिद्ध नो निध, फिर उसका ख्याल माया की तरफ नहीं जाएगा। दादू साध परीखिए अंतर आत्म देख, मन में ही माया रहे आपे आप लेख। वो मालिक सबके अंदर बैठा है, वो आप ही रूप धारता रहता है, सारे काम करता है उसके। ये माया इकट्ठी कर लेंगे फिर अंदर ये रहेगा भाई चोर चोरी ना कर ले, डाकू ना लूट ले, गवर्नमेंट ना छीन ले, भाई ना बटा ले, आग ना जल जाए, पानी में ना गल जाए, फिर तो माया का ही सिमरन हो गया। कबीर क्या कहता है, पानी बढ़िया नाव में घर में बढ़िया दाम दोनों हाथों उड़ीचिए ये इशाना काम। ये माया का देश है, माया वगैरह काम नहीं चलता, माया कमानी है पर माया को आई चलाई रखना है। तो सिमरन करेगा नाम को पढ़ कर ले फिर कोई कमी रहती नहीं है। फिर माया ख्याल निकल गया, फिर मान बढ़ाई का वो नाम अंदर आ गया। मस्तान जी क्या करते हैं कि ये हमारी दोनों जान की बादशाह ही है और हमेशा कायम रहने वाली है, बाकी एक जान की बादशाह है कायम नहीं रहती। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको चिंता लगी अभी पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन हमला ना कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए, इलेक्शन में हार गया रंग उतर गया, फिर कौन पूछता है। ये नाम को पढ़ कर ले ये दोनों जान की बादशाह ही है। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ ना हुई, गुरमुख नाम मिले बड़े आई मनमुख नींद पत गवाई। फिर इसका मन कहीं जाता ही नहीं है, फिर तो नाम कुमारी नानका चली है दिन रात। हाँ ये क्या कहता है, सारे झगड़े मुक जाते हैं, जहाँ झगड़े हैं वहाँ चीज नहीं आई है, जहाँ ईर्खा है निंदा चुगली है वहाँ भी चीज नहीं आई है। हाँ जी जहाँ ये सोचते हैं भाई हमारा धर्म बढ़ जाए वहाँ भी चीज नहीं है, कुछ नहीं है उसके पल्ले। हाँ जी सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम फुलाई। क्या वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, मालिक बाहर भी है अंदर भी है, पर जब तक ये अंदर नहीं देखता वो बाहर दिखाई नहीं देता। जे की जुगत जाके स्वाथ अंतर बाहर जानो साथ, ये अंदर ढूंढोगे तो मालिक मिलेगा। कबीर ने कहा वस्तु कहीं, वस्तु इसके अंदर है और ढूंढे कहीं फिरता बाहर है। कहो के विदा व्यात कहे कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ, भेदी क्या वो फकीर जो रूहानी मंडलों में जाता है, भेदी लिया साथ का दीनी वस्तु लिखाए, कोट जन्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। उन्हें जाना है काला वाले की तरफ, हम चल पड़ते हैं डब वाले की तरफ, तो कितने दौड़ता भागता जाए दूर दूर होता जाएगा।
निकाला वाला की तरफ चलेगा तो घंटे में पहुंचेगा, और रास्ता इसके अंदर है, मालिक अंदर मिलेगा, ये फिरता बाहर है। एक फकीर ने एक कहानी लिखी है, वो बात है तो झूठ पर है सच्ची। किस तरह के पहले मालिक ने सारी सृष्टि की रचना कर दी, चौरासी लाख दुनिया बना दी, तो आप बैठ गया तो लोगों ने उसको घेर लिया। कोई कहता जी मेरा ये काम करो, मेरा ये काम करो, मेरा ये काम करो, कोई कहता जी बारिश करो, कोई कहता जी बारिश ना करो ना, तो मालिक तंग आ गया। तो उसने अपने सलाहकारों की मीटिंग बुलाई कि भैया क्या करें। किसी ने कहा जी ऐसे करो, हिमालय पर्वत पर जा के बैठ जाओ, वहाँ कोई नहीं आता। कहता हिलेरी वहाँ पहुँच गया था, तेंजिंग वहाँ पहुँच गया था। फिर किसी ने कहा जी चांद पर पहुँच जाओ, तो चांद पर अमरीका वाले पहुँच गए थे। एक कोई बुढ़ा सलाहकार था, उसने कहा जी ऐसे करो तुम आदमी के अंदर बढ़ जाओ, अंदर कोई नहीं जाता। तो मालिक अंदर बढ़ा है, अंदर कोई जाता ही नहीं है, बाहर खोज कर लेंगे, समुद्रों की खोज कर लेंगे, आसमान की खोज कर लेंगे, पर ये अंदर खोज नहीं करता। चीज इसके अंदर है, ये फिरता बाहर है। हाँ जी सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम गुणानी। त्रिलोकी तक ये सारा ही परम है। गुणान साहब लिखा है जी मालिक से मिलना है तो क्या करे, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोप तुझ होए नचिंदा, परम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर रसवै। ये मालिक से मिलना है तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ दे। ये कैसे छोड़ेगा, ये ठगों की नगरी है कि हम ठगों की आज चढ़े हैं। हम सारे कहते हैं अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता। मालिक की दरगाह से ये सुहासा रूपी पूंजी लिखा के ले आए हैं। इस पूंजी को कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध खा गया, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार, आगे आगे फिर चौरासी तैयार। तो इनका इलाज क्या है, क्या तू सिमरन कर, परम के सिमरन दुश्मन डरे। ये काम करो तो लोग मोह अहंकार घट जाएंगे, इसे संतोष क्षमा दिव्य दीन तक गरीबी अंदर आ जाएगी। ये त्रिलोकी तक सारा ही परम है, कूड़ का पसारा है। पढ़ते हैं कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीबी, खप वेखवार, कूड़े कूड़ने लग्या बिसरा करतार, किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चलनहार। ये सारा ही परम है, परम का संगल तोड़ने वाला, हर अंतर हर रस पाया। ये जो सिमरन करेगा ये काम करो लोग मोह अहंकार बस में आ जाएंगे, ये परम का संगल टूट जाएगा, ये अंदर मालिक प्रकट हो जाएगा। हाँ जी हाँ, बार टोले सो परम पुलाई, सारी दुनिया बारी बार फिरती है। हाँ जी बाहर टोले सो परम गुरु प्रसादी अंतर पाया, क्या अंदर देख लिया, फिर वो मालिक अंदर भी है और बाहर भी है, वो तो सबके अंदर है। हाँ जी सब घट रामा बोले राम भी ना कुर रे। हाँ जी अब ये कहता है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चमार है, सबके अंदर मालिक देख ले भी सारे ही अपने, कोई पराय नहीं है। मिसर गए सब तात्पराई, जब ते सास मुँह पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हम को बनाई, सारे झगड़े खत्म हो गए। हाँ जी गुरु प्रसादी जीना अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जियो, चिम चिम वर्षे अमृत धारा, चिम चिम वारसे।
घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा स्वाद ना पाए। अमृत का हमने नाम सुने है, अमृत देखे, अमृत का स्वाद लिया है कि अमृत पी ले आदमी अमर हो जाता है। ये क्या कहता है, घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा स्वाद ना पाए। सारे ही मनमुख हैं, गुरमुख तो कोई बिरला है, कोटर में कोई एक जो भजन राम को पावे। मन मुखा स्वाद ना पाया, आगे जो कस्तूरी मृग ना जाने भ्रम दा भ्रम बुलाया। मृग की नाभी में कस्तूरी होती है, उसको खुशबू आती है, वो बार ही बार भटकता फिरता है, अभी खुशबू कहाँ से आ रही है। हाँ जी, अमृत साचा नाम कहना कछु न जाई, पीवत हूँ प्रमाण भया पूरे सब समय। अमृत साचा नाम है कहना कछु, ये बात बताने में नहीं आती, विखा बात अगम की कहन सुन की ना, कहे सो जाने ना, जाने सो कोई ना, जो स्वाद लोगे तो ही पता लगेगा। हाँ जी, अमृत हर का नाम है जित पीते तिख जाई। हाँ, अमृत हर का नाम है जित पीते तिख जाई, फिर सारी आशा तृष्णा खत्म हो जाती है। हाँ जी, नानक गुरमुख जिन पिया तिन भोर न लगी। हाँ, फिर वो जन्म के चक्र में नहीं आता, आत्मा परमात्मा से मिल गई तो मालिक का रूप बन गई, जन्म के बंधन छूट गए, जो मिलेगा तो सारा कुछ ही मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी, नानक अमृत नाम सदा सुखदाता, पी अमृत सब भूख ले जावणे। आगे ना बात, अमृत नाम सदा सुखदाता, पी अमृत सब भूख ले जावणे, सारी भूखें खत्म होगी। फिर तो नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी, अमृत नाम तुम्हारा प्यारे साध संग रस। चलो सिंपल बोल, गुर प्रसादी जी ना अंतर चिम चिम बार से अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द विचारा मन पीवे शब्द विचारा आनंद बिनात करे दिन राती सदा सदा हर के लाजियो। हाँ बोल भैया, मालक अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, बार कोई चिंता फिक्र नहीं है, सारी चिंताएं खत्म हो गई, सारे काम पूरे हो गए, नहीं तो एक भी काम पूरा नहीं होता। हाँ जी, तुम ये सारा जोर इस पर लगाओ भी सिमरन बनना चाहिए और नाम अंदर प्रकट हो, इसी के लिए यत्न करना है, पर अंदर बेनती रखे भी सतगुरु तू दया मेर रख, अपनी मेहनत तो सतगुरु की दया मेर, ये दोनों ने काम करना है, अपने घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। पंछी है दो पुरों से उठता है, ये तुलका पर काट दें तो वहीं तड़प के मर जाएगा, ये मालक की दरगाह में जाना है तो घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ, दोनों काम करने हैं, बैलेंस बराबर रखना है। हाँ जी, अमृत धारा चिम चिम बरसे जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया। जन्म जन्म का बिछड़िया क्या पता नहीं, कितने सतयुग बीत गए, कितने त्रेता बीत गए, कितने द्वापर बीत गए, कितने कलयुग बीत गए, कई बारी प्रलय हुई, कई बारी महाप्रलय हुई, हम यहाँ धक्के खा रहे हैं। शहर के अंदर चरकचुंडा होता है, उसके पराने कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, ये हमारा हाल है, कभी स्वर्गों में कभी नरकों में कभी मृत्युमंडल में, सारी दुनिया ही चक्कर में है। अनेक जोन जन्मे मर जात या नाम जो पाए विश्राम, कि नाम को पढ़ कर लिया ये चौरासी खत्म हो गई। हाँ जी, जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते
सुका हरे साध कृपा ते सुका हरिया प्रभु का रंग साध की संग छाड़ छाण पर सगली मना साध संग पावी सचतना। बच्चे स्कूल जाते हैं मास्टर का कहना मानते हैं घर आकर पढ़ते हैं वो भी एम ए कर जाता है। तो मालिक के मिलने का कोर्स करना है ये संतों की सुबत करे तो उनका हुक्म मान के भजन सिमन करे तो वो नाम अंदर आ जाएगा। स्थान क्या करते दुनिया का राम है सुखा राम हमारा राम है हरिया राम। हरिया क्या उन्हें अंदर पकड़ कर लिया नहीं तो चीज़ गुप्त आई और गुप्त ही चली गई हमने कोई फायदा नहीं उठाया। हाँ बोल दोबारा बोल साध कृपा ते सुका हरे जन्म मरण के मिटे अंधे से साधु के पूर्ण उपदेश। हाँ जन्म मरण के मिटे अंधे से साधु के पूर्ण उपदेश। साध क्या कहता है वो घर बार नहीं छुड़ाता बाल बच्चे नहीं छुड़ाता एक पुराने को नहीं कहता पुठा लटके को नहीं कहता वो क्या कहता है सिमरन करो सेवा को दोनों भले एक संत का राम राम दत्ता मुक्ति का संत जपावे नाम। संत कहते हैं चलो अंदर अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले ना अंदर बढ़ाया ना पौड़ी चढ़ा ना नज़ारे देखे वो चीज़ गुप्त आई और गुप्त चली हमने कोई फायदा नहीं उठाया। और किसी घर में करोड़ रुपये दबे पड़े हैं बारह पैसे पैसे का मोहताज हुआ फिरता है कोई इसको कोई भी तेरे घर में करोड़ रुपये पड़े तो निकाल ले ये ना निकाले बताने वाले का क्या कसूर है। हाँ जी सगल क्रिया में उत्तम